हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एफसी में। दोस्तों, अगर आप भी अपने फीचर फोन से स्विच होकर एंड्रॉइड यूज करना चाहते हैं या फिर अपने घर वालों को कोई अच्छा सा स्मार्टफोन देना चाहते हैं तो 8000 एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां से अच्छे एंट्री लेवल के स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इस प्राइस सेगमेंट में हमें फोन इतने सारे मिल जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, और मोबाइल लेने में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आज की इस वीडियो में आप कुछ 5 ऐसे स्मार्टफोन देखने वाले हैं जिसमें आपको HD+ डिस्प्ले, अच्छा सा डिसेंट वाला कैमरा और एक बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएगा, बड़ी सी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें आपको हाई स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, एंट्री लेवल के हिसाब से सब कुछ बेस्ट हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा Samsung M01 से। दोस्तों, हम Samsung को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर गुड्स के लिए ही जानते हैं, लेकिन Samsung वो कंपनी है जिसने दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी लिया था। खैर, बात करें इसके स्पेसिफिकेशन तो इसमें आपको 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले दे रखा है। सो इसका जो रेजोल्यूशन है वो 720x1520 होगा। इसके अलावा इसमें जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर होगा। तो इसमें अगर हल्की सी भी हैवी गेमिंग हुई तो ये बहुत ही तेजी से हीट होने लगे, बट डेली लाइफ में ये ना तो हैंग होगा और ना ही किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करेगा। वही बात करें इसके रैम और स्टोरेज की तो इसमें 3GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा इसमें 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा बैक में और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। लेकिन बैटरी इसमें सिर्फ आपको 4000mAh की दी गई है, जो कि ठीक ठाक है, बट आगे आने वाले फोन के कंपैरिजन में देखें तो कम है। बात करें इसकी प्राइस की तो 7500 इसका प्राइस है। देखा जाए तो इस फोन में HD+ डिस्प्ले दे रखा है, बैटरी थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा प्रोसेसर वीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगर आपको बैटरी का इश्यू है तो फिर आपको कोई दूसरा स्मार्टफोन देखना होगा। नंबर 4, Infinix Smart 5। बात करें इस स्मार्टफोन की तो इसमें आपको 6.82 इंच की बड़ी सी 6040x720 पिक्सल वाली HD+ LCD IPS डिस्प्ले मिल जाएगी। इसी के साथ इसमें आपको 6000mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी, जबकि पिछले Samsung वाले फोन में सिर्फ 4000mAh की थी। बात करें इसके रैम और स्टोरेज की तो इसमें आपको 3GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एक लो लाइट सेंसर दिया हुआ है और फ्रंट में इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। एंट्री लेवल के हिसाब से ठीक है, कंप्लेन नहीं कर सकते। वहीं बात करें इसके प्रोसेसर की तो MediaTek Helio G25 प्रोसेसर इसमें मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज परफॉर्मेंस ही देगा, जिससे कि नेट सर्फ करना, यूट्यूब पर वीडियोस देखना जैसे काम आसानी से हो जाए। अच्छे प्रोसेसर के लिए आगे और भी फोन है। अब बात करें इसकी प्राइस की तो इसे सिर्फ और सिर्फ आप 7200 रुपए में परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कम प्राइस में बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए तो आप इस फोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3, Micromax in 1B। सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें IPS HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो इसका स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन एक तो ये कम पावर कंज्यूम करेगा और दूसरा एक हाथ से ये इजीली ऑपरेट भी किया जा सकेगा। बैटरी तो इसमें 5000mAh की है, जो कि Samsung से बड़ी भी है और काफी लंबे टाइम तक बैटरी बैकअप भी दे देगी, बट Infinix से ये थोड़ी सी कम है। इसके अलावा इसमें 13+2 का डुअल कैमरा बैक में और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। सो इट मींस कैमरा स्पेसिफिकेशन तो यहाँ कुछ खास दिए नहीं है, बैक कैमरा स्पेसिफिकेशन Samsung के जितने ही है और फ्रंट में ये थोड़ा सा बैक। साथ ही बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको MediaTek का Helio G35 प्रोसेसर मिलेगा, सो परफॉर्मेंस तो इसकी भी आपको एवरेज ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें स्टॉक एंड्रॉइड भी दिया हुआ है, इसलिए इसका जो यूजर इंटरफेस है वो पूरी तरह से क्लीन मिलेगा, इसलिए इसमें किसी भी तरह के एड्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। खैर, जहां पिछले फोन में रैम और स्टोरेज 3+32GB का दिया हुआ है, वो यहां बढ़कर 4GB+64GB हो चुका है। और हां, इसकी जो चार्जिंग केबल है वो टाइप सी केबल है। तो आखिर में बात करें इसकी प्राइस की तो फ्लिपकार्ट पर जो इसका प्राइस है वो 8000 रुपए का। देखा जाए तो Samsung से बेटर ही है, क्योंकि ये सिर्फ 8000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर 4+64 वाला वेरिएंट दे रहा है, जबकि इसका 2+32 वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए में। नंबर 2, Poco C3। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस फोन की तो इसके बैक में आपको 13+2+2 के ट्रिपल कैमरा दिए हुए, जबकि फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। सो बाकी सभी फोन्स में तो ये सिंगल या फिर डुअल कैमरा है, लेकिन इसमें ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिल जाएंगे। इस फोन का लुक भी शानदार है, पिछले फोन से कंपेयर करें तो इसके पिछले फोन के बजाय ये ज्यादा गुड लुकिंग फोन। इसके अलावा इस फोन में आपको 6.53 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा, तो फोटोज और वीडियोस देखने के लिए तो ये फोन एक परफेक्ट फोन है। साथ ही इसमें जो प्रोसेसर है वो Helio G35 प्रोसेसर यानी कि Micromax जैसा है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस वो भी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, तो ज्यादा बुरी भी नहीं होगी, इसलिए हैंग तो ये फोन भी नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं इसके रैम और स्टोरेज की तो इसमें 2 वेरिएंट अवेलेबल है। पहला वेरिएंट है 3+32GB का और दूसरा वेरिएंट है 4+64GB का। वहीं बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें 5000mAh की बैटरी दे रखी है। सो एट लास्ट बात करें इसकी प्राइस की तो फ्लिपकार्ट पर जो इसका प्राइस है वो 7499 रुपए का। प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये ठीक ठाक है, बट इसका 4+64GB वाला वेरिएंट है वो 8500 रुपए। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे फाइनल फोन की तरफ, जिसका नाम है Realme Nazo 20A। बात करें इस फोन की तो इसमें 6.52 इंच की बड़ी सी HD+ स्क्रीन दी गई है। इतने बड़े स्क्रीन साइज को हैंडल करने के लिए इसमें डाली गई है 5000mAh की बड़ी सी बैटरी, जो कि दिन भर के लिए तो सफिशियंट ही है, और अगर ज्यादा यूज में ना लिया जाए तो ये और भी कई दिनों तक इजीली चल लेती है। बट रैम और स्टोरेज तो इसमें 3+32GB का ही दे रखा है। खैर, इसमें जो चार्जिंग सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 10W का, सो आपको इसे चार्ज करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके अलावा देखो तो इसमें 12 मेगापिक्सल+2 मेगापिक्सल+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा बैक में है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच वाला कैमरा आपको मिल जाएगा। सो कैमरा स्पेसिफिकेशन
ऑप्शन तो इसके भी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन हाईलाइट की, तो वो इसका प्रोसेसर है, क्योंकि इस लिस्ट में ये प्रोसेसर एक बेस्ट प्रोसेसर माना जाएगा। तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर एक शानदार प्रोसेसर है। हैवी मल्टीटास्किंग हो या गेमिंग, दोनों इजीली हो जाएगा, लेकिन आप इसमें बड़े बड़े एडिटिंग सॉफ्टवेयर चला लेंगे उतना हैवी वर्क भी ये नहीं कर पाएगा। सो फाइनली बात आती है इसकी प्राइस की, तो फ्लिपकार्ट पर जो इसका प्राइस है वो है 8,499। हाँ पता है इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट फोन सबसे बेस्ट है इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसे डाल दिया। अब बात करें इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन की, तो कोई भी फोन परफेक्ट नहीं है, बट हर फोन किसी ना किसी फील्ड में दूसरे फोन से बेटर है। फॉर एग्जांपल बड़ी बैटरी में इन्फिनिक्स तो अच्छा प्रोसेसर आपको देगा रियल, रैम और स्टोरेज आपको माइक्रोमैक्स में ज्यादा मिलेगी। तो जैसी जिसकी चॉइस है उसके लिए वैसा फोन आपको यहाँ मिल जाए। खैर आपको इसमें से कौन सा फोन सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब बारी आती है लास्ट वीडियो के शाउट आउट कमेंट की, और ये रहे उन सभी यूजर्स और उनके कमेंट जो कि हमारी लास्ट वीडियो में किए गए। अब बात करते हैं आज के शाउट आउट कमेंट की, तो वो कमेंट है आप अपना करंट में यूज करने वाला फोन, जी हाँ जल्दी से बता दीजिए और कमेंट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी मैं इंक्लूड। तो गाइस ये थे मेरे ओपिनियन, अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा फोन आपको कौन सा और क्यों लगा, और आप इनमें से कौन सा फोन ऑर्डर करने वाले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल के साथ, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।